Hello friends, how are you all? Welcome to my channel Lee Tech. आज का मेरा ट्यूटोरियल में कैनवा ट्यूटोरियल का पार्ट सेकंड देखने को मिलेगा। पार्ट वन में ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप पार्ट वन नहीं देखे तो मेरा आई बटन में देखिए, आपको पार्ट वन देखने को मिलेगा। उसके बाद पार्ट टू देखिएगा। पार्ट वन पार्ट टू में आप पूरा ऑलमोस्ट कैनवा ट्यूटोरियल फिनिश कर दिया है मैंने। पूरा देखने से आपको कैनवा के बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए। मैं हूँ लीना सुजीत, वेलकम टू माय चैनल ली टेक। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग कैनवा सीखते हैं। यहाँ आप गूगल सर्च में सर्च कीजिए CANVA। गूगल में सर्च करते हैं। देखिए जो पहला जो दिख रहा है ये आपको सेलेक्ट करना है। देखिए ये वाला, कैनवा का इंटरफेस ऐसा ऐसा दिखेगा। पार्ट वन में ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप पार्ट वन नहीं देखे तो मेरा आई बटन में देखिए, आपको पार्ट वन देखने को मिलेगा। उसके बाद पार्ट टू देखिएगा। पार्ट वन पार्ट टू में आप पूरा ऑलमोस्ट कैनवा ट्यूटोरियल फिनिश कर दिया है मैंने। पूरा देखने से आपको कैनवा के बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। एलिमेंट्स में आपको बहुत सारा है, लेकिन एलिमेंट्स आपको ये देखिए प्रो है। एलिमेंट्स में आपको देखिए ना, एरो चाहिए, सर्कल चाहिए, जिसमें आपको फ्री दिख रहा है ना वो आप निकाल सकता है। सारा एलिमेंट मिल जाएगा आपको ऐसा नहीं है। अगर मान लो कि अच्छी शेप में जाए ना, मैं क्लोज विंडो ही क्लोज कर देता हूँ, फिर देखिए नीचे नीचे आपको क्या चाहिए। इवन पिक्चर का आप टाइप भी करके देखिए, आपको स्पेसिफिक कुछ चाहिए तो आप ऐसे टाइप करके भी देखिएगा। तो हम टाइप करने जा रहे हैं कि फ्लावर, ऐसा भी मिल जाएगा। देखिए उसमें आपको फ्री में जो चाहिए, या हम टाइप करने जा रहे कि टाइगर, तो देखिए टाइगर जो हो फ्री में दिख रहा है वो आप ले सकते लेके आ सकता है। देखिए नहीं तो फिर हम स्नेक टाइप करते हैं। साइड में इतना स्नेक का आया तो कोई भी फ्री वाला स्नेक उठाओ। देखिए ये वाला मत लेना, यहाँ फ्री देखिए, यहाँ क्या देख रहा ना, तो फिर उसको आप छोटा कर दीजिए, बड़ा कर दीजिए, जहाँ लेके जाना है वो लेके जाइए। यस, तो एलिमेंट भी आपको समझ में आ गया। अब इसमें क्या बचा है, ऑडियो ठीक है। आप यहाँ ऑडियो मतलब अभी आपको इतना इतना ज़रूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। और क्या है, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड अभी इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी पिक्चर के ऊपर ऑलरेडी इतना इतना बैकग्राउंड देखता है, क्या होगा। देखिए पूरा इमेज ही हट गया और ये बैकग्राउंड बन गया। चलिए बैकग्राउंड में भी आपको देखिए ना बहुत सारे डिजाइन ऐसे ही आ रहा है। हाँ अगर देखिए ना, आपको बैकग्राउंड अगर आपका कोई इमेज पे चाहिए ना तो पहले बैकग्राउंड लेके आइएगा फिर इमेज लेके आइए। जैसे अभी मेरा शिव का, चलिए एक इंटरेस्टिंग फॉन्ट का एक इंटरेस्टिंग टेक ट्रिक आपको दिखा रहा है। ये सब डिलीट कर गया था, ये भी डिलीट करते हैं, ये सब डिलीट करो। चलिए मैं क्या करने जा रही, फोन निकालने जा रही, ठीक है, कोई भी एक बड़ा वाला फोन। देखिए ये फोन हमने ले लिया और मैं यहाँ थोड़ा बड़ा करके टाइप करने जा रहा हूँ, ठीक है। एक मैं इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, सिया और यह डुप्लिया और यह डुप्लिकेट जो दिख रहा ना इसके ऊपर हम क्लिक किया तो क्या हो गया, मेरे पास ऐसा दो आ गया। अभी मैं क्या करूँगी, इसका कलर चेंज करूँगी। देखिए ना अच्छा ट्रिक है, इसका कलर अब चेंज करूँगी। कहाँ जाके कलर में जाके
इसको हम करूंगी वाइट, ठीक है, ये वाइट हो गया, ब्लैक हो गया। अभी देखिए मैं क्या करने जा रहा, इसको धीरे 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 इसके ऊपर लिख के आई, इसके ऊपर लिख के आई, एकदम एग्जैक्टली। देखिए आपको 3D का विशन आया कि नहीं, देखिए ये तो साइड में गया, अगर मान लो हम थोड़ा सा नीचे करें तो देखिए आपको 3D का लुक आया ना, कैसा लगा एक ट्रिक, मुझे बहुत ही मज़ेदार लगा ये। देखिए ना, ये आपको राइट साइड में लेके जाइए तो राइट में आपको 3D बन गया। ऐसा भी आप कलर भी आपके हिसाब से चूज कर दीजिए, मान लो एक वाइट को हटा के एक बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया, क्या कोई भी कलर चेंज कर दीजिए, देख रहा ना। तो ये भी एक आपका क्रिएटिविटी के हिसाब से काम करेगा। और यहाँ ये भी है इफेक्ट्स, देखिए इसके ऊपर इफेक्ट आ गए, ये जो इफेक्ट्स इसके ऊपर आ रहा फोन के ऊपर। और इसको बोल्ट, देखिए ना, बोल्ट हर चीज़ में वर्क नहीं करेगा, नॉर्मल वाले चीज़ के ऊपर बोल्ट काम करेगा। और ये तो सेंटर और साइड में करने वाला, ये हो गया लिस्ट लिस्ट करने वाला। इसमें अगर आपको इसका एक कॉपी चाहिए, देखिए ना, हमेशा याद रखिए, कुछ सेव करके रखिएगा। अगर आप एक और बना के ना मेक अ कॉपी करके करके रखने से आपका ये वाला रहेगा, और इसके ऊपर फिर चेंज करके एक और पिक्चर बना भी सकता है, नहीं तो इसको सेव कर। ठीक है, अभी सब कुछ होने के बाद आपको इसको डाउनलोड करना है ना। मान लो मेरा ये फाइनल हो गया तो मैं क्या करूँगी, हाँ, नाम यहाँ से आप कुछ भी आपको दे सकता है ना, नाम चेंज जस्ट टाइप टाइप कर दीजिए, है ना। और यहाँ आप डाउनलोड करने का ऑप्शन क्या क्या आया देखिए, जस्ट डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेगा ना तो आपको सजेशन आएगा, PNG चाहिए, JPG चाहिए, PDF चाहिए, जैसा आपको चाहिए वो आप बना सकते हैं। तो मैं JPG देखिए, यहाँ सारा इमेज के ऊपर हम दिखाया था ना, तो अगर आप मान लीजिए कुछ कोई वीडियो अगर यहाँ लाए तो आपको डाउनलोड करने के लिए MP4 में डाउनलोड करना पड़ेगा, है ना। तो मेरा ये इमेज है, इसीलिए मैं JPEG में करके फिर जस्ट क्लिक ऑन डाउनलोड। तो डाउनलोडर में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप यहाँ देखते रहिएगा कि आ रहे कि आ रहे, कभी कभी थोड़ा सा काम नहीं करता है, तब ना आप थोड़ा सा इसको क्लोज करके फिर डाउनलोड बटन प्रेस की, देखो मेरा हो रहा है, तो कभी कभी नहीं होता है, तो कुछ नहीं है, आप इसको क्लोज करके फिर से सेम प्रोसीजर कर दीजिए डाउनलोड, है ना। तो मेरा डाउनलोड हो गया, तो डाउनलोड फाइल में आपका निकालना पड़ेगा। तो थोड़ा सा अगर एडवांस मोड में अगर जाएगा तो मैं आपको ये सब डिलीट कर दीजिए, यहाँ आपको देखिए अगर कोई वीडियो, देखिए वीडियो भी दिखाता है, मान लो एक वीडियो, वीडियो भी आपको अगर अपना अपना डिवाइस का वीडियो भी निकाल सकते हैं, पहले से हम दिखाया था ना आपको, यहाँ से वीडियो आपका डिवाइस का निकाल सकते हैं। चलिए ये सब मैंने डिवाइस से लेके आया था, तो एक जिफ है, जिफ भी ला सकते हैं, वीडियो भी ला सकते हैं, जिफ दिखा रहा, तो इसको भी आप ना बड़ा कर सकता है, छोटा कर सकता है, जिफ को, वीडियो को भी आप यहाँ से ट्रिम कर सकता है ना। तो ये मैं एक जिफ है, और इसके ऊपर करना क्या, हाँ, ये अगर सेव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपको डाउनलोड करने के लिए, देखो ऑटोमेटिकली MP4 फॉर्मेट में ये डाउनलोड हो ही जाएगा, है ना, इसके ऊपर कोई टेंशन नहीं है। चलिए वीडियो हम आपको ट्रिम करने का दिखा रहा है, डिलीट करके देखिए, यहाँ कई लोगों का टेम्पलेट का ही वीडियो निकालते हैं, है ना, देखिए कोई भी एक वीडियो, ये 6 सेकंड्स का वीडियो है, 10 सेकंड्स का वीडियो ना, कहीं 11 सेकंड का वीडियो,
पीछे का बैकग्राउंड आपको इतना ये मत कीजिए, वो छोड़ दीजिए, वो ऐसे वाइट हो जाएगा। ये एक वीडियो है ना, तो वीडियो का भी देखिए ना आप, साइज यहाँ से एडजस्ट कर सकता है ना, तो वीडियो प्ले करने से ऐसा प्ले होगा। यहाँ भी आप ट्रिम भी कर सकते हैं वीडियो, अगर इतना आपको ट्रिम करना है यहाँ ट्रिम करना है, ये भी देखते हैं ट्रिम करके दिखाते हैं। देखिए इतना यहाँ आपका ट्रिम वाला बटन दिख रहा है ना, ट्रिम वाला बटन दिख रहा है, इसके ऊपर जस्ट ट्रिम का क्लिक कर दीजिए, देख रहा ना जितना ऐसे वीडियो प्ले हो रहा है, जितना आपको ट्रिम करना है यहाँ साथ लेके लेके आइए करना, ये यारो जो दिख रहा है उसका इतना आपका ट्रिम होते जाएगा, यहाँ भी ऐसे आएगा क्या, यहाँ से ट्रिम हो रहा है, जितना आप ट्रैक कर रहे हैं ट्रिम हो रहा है ना, यहाँ सेकंड्स भी आपको दिखाएगा कहाँ से आपको ट्रिम करना है, वो सब आपका दिमाग से। फिर करने के बाद डन कर दीजिए, तब आपका ट्रिम हुआ वाला वीडियो ही यहाँ प्ले हो जाएगा, जितना ट्रिम हुआ वाला बाकी वाला। चलिए ये भी समझ गया, अभी इसमें क्या दिखाना है। चलिए ऑलमोस्ट हो गया, अभी एक इमेज में आपको फोटोज में जाके एक इमेज बस आपको दिखा रहे कि इसको आपको थोड़ा ब्राइटन करना है वो सब, है ना। यहाँ देखिए इफेक्ट्स में जाइए ना, या एडजस्ट फिल्टर, फिल्टर में जाइए, देखिए यहाँ आपको इसका चेंजेस कर सकते हैं। नॉर्मली आफ्टर ग्लो करने से ब्राइट आएगा, ठीक है ना, पिक्चर जैसा था उसमें मोर ब्राइट हो गया। नहीं चाहिए तो फिर से इसको नन क्लिक कीजिए, है ना, यहाँ ये कर सकता है, तो ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको देखिए ना, आप ऐसे यूट्यूब थंबनेल हो गया, अगर आपको लोगो चाहिए तो आपको ना होम में जाके थोड़ा सा लोगों का दिखा रहा है, क्योंकि लोगों का बैकग्राउंड रिमूवर इसमें आपको प्रो करेगा, आई मीन पे करेगा, तब जाके आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। इसमें बैकग्राउंड रिमूव करने का ऑप्शन आपको नहीं है, लेकिन आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ आपको बहुत सारे डिज़ाइन मिल जाएगा, है ना, देखिए आपका कोई भी काम का हिसाब से थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा कौन सा है, क्योंकि ये ड्रॉबैक है कि जो वाइट बैकग्राउंड है ना वो उसके साथ आएगा, आपको अकेला ये नहीं है, उसके लिए आपको फिर दूसरा सॉफ्टवेयर में जाके यहाँ से बना के फिर दूसरा सॉफ्टवेयर में जाके बैकग्राउंड रिमूव करने वाला बहुत सारा सॉफ्टवेयर और ऐप वगैरह है। इवन इवन विटा वाला सॉफ्टवेयर है वीडियो क्रिएटर, उसमें भी है, वो तो इनबिल्ट है, वहाँ भी आप कर सकता है। यहाँ देख के लोगों को जो चाहिए, देखिए ना इतना दिखाने का जरूरत नहीं, आपका अपना हिसाब से आप कर दीजिए बस, और कुछ है ही नहीं है इसमें, और कलर चेंज कर दो, सारा जैसा मैं उसमें दिखा ना वही सेम चीज रिपीटेडली, क्या बोलना है, बाकी आपका क्रिएशन है, बस यही है। फिर फेसबुक का हो गया, इंस्टाग्राम का हो गया, वो सब आप अपना हिसाब से करते जाइए, है ना। यहाँ यही है ना, तो ये हाँ। और एक है, आपको अगर मान लिए ये सब डिज़ाइन नहीं, आपको कोई देखिए ब्लॉग राइटर्स के लिए हमेशा आपको मालूम है उसके एक साइज़ फिक्स होता है, वो है 640x360। वो आपको करने के लिए ना कस्टम साइज में जाइए, यहाँ आप टाइप से देखिए ना, मैं हमेशा यूज़ करते इसीलिए वो साइज़ यहाँ ऑलरेडी है, ये साइज एक स्टैंडर्ड साइज फॉर ए ब्लॉग पोस्ट, ब्लॉग में आर्टिकल डालने, आर्टिकल में फोटो डालने के, देखिए तो आप यहाँ 640x360 हाइट हम चूज कर दिया, और क्रिएट न्यू डिज़ाइन, तो वो वाला साइज में आपके पास पेज खोल के आएगा। देखिए ये नॉर्मली ब्लॉग के लिए ऐसे ही साइज का इमेज लेता है। चलिए अभी इतना ही है, बाकी आप कर दीजिए आपका मनपसंद का डिज़ाइन। चलिए मैं वीडियो यहाँ ड्रॉप करती हूँ, होप यू एन्जॉयड माई ट्यूटोरियल चैनल,
वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए। आपके लिए और वीडियो लाएंगे।